वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी छात्रों, आपके पेपर थर्ड में हमने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए और इसके बाद अपन आपका इसी पेपर में से आपकी एक यूनिट है स्ट्रक्चर इन फ्लोरिंग प्लांट्स। जब भी अपन फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं? एंजियोस्पर्म पादप की बात करते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में अपन जब स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो स्पेशली किससे रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं अपन? एनाटॉमी। इस प्लांट में, इस पार्ट में हम क्या इन फ्लोरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी वाले पार्ट में आपको जैसे सिलेबस का डिस्क्रिप्शन में बताया था कि हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी है। अब एनाटॉमी, कोई भी प्लांट की अपन एनाटॉमी शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अपन यहीं से शुरू करते हैं इस प्लांट के लिए कि उसकी बेसिक बॉडी प्लान क्या होगा। एंजियोस्पर्म में अपन चाहे मोनोकोट की बात करें, जैसे आपको पता है कि मोनोकोट और डाइकोट यहाँ पर दो प्लांट के ग्रुप हैं। आगे इनमें अपन किसी की भी बात करें, इनकी जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक सिमिलर होती है, उस पे अपन चलते हैं। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो शुरू करने से पहले अपन एक बार इनके सूक्ष्म पादप जो सीड में मौजूद होता है, सूक्ष्म पादप कहाँ मौजूद होता है? सीड में मौजूद होता है। और उस सूक्ष्म पादप या मिनीचर प्लांट को अपन क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। आप डाइकोट हो या मोनोकोट हो, एम्ब्रियो की यदि अपन इनमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो फर्दर उनसे जो डेवलपमेंट होगा वो सिमिलर स्ट्रक्चर ही डेवलप होगी, जिनमें कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो वी कैन सी, कहने का मतलब ये है हमारा कि एम्ब्रियो सबसे, जो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है अपन सबसे पहले लेते हैं डाइकोट टिपिकल एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो लगभग आपका कैसा होता है, हार्ट शेप होता है, और इस हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर आपको क्या मिलता है, दो सीड कोटिलेडन होते हैं ऊपर की तरफ, बड़ी मोटी फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है। सीड कोटिलेडन यहाँ पर मिलते हैं और सीड कोटिलेडन के बाद में, दोनों सीड कोटिलेडन के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मौजूद होता है जिसको आप क्या कहते हैं, प्ल्यूमूल कहते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो की जो अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आपकी है प्राइमरी मेरिस्टेम से बनी हुई है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट, प्ल्यूमेल के जस्ट अपोजिट वाला भाग नीचे जो फर्दर आगे चल के किसका निर्माण करेगा, रूट का निर्माण करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक एपिकल मेरिस्टेम है, प्ल्यूमेल भी एक आपका एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा दोनों जो प्ल्यूमेल और जो रेडिकल है इनको मिलाने के लिए एक यहाँ पर काल्पनिक एक्स पाई जाती है। उस काल्पनिक एक्स को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे एक लंब डालते हैं अपन, ठीक है। इस लंब के ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, यानी ऊपर का भाग जो है आपका वो क्या है, एपिकोटाइल, और नीचे वाला जो भाग है, सॉरी नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा आपका, हाइपोकोटाइल। इस तरह से अपन इसकी डिजाइन कर लिए। अब जो प्ल्यूमूल है, अपन प्ल्यूमूल की बात कर रहे हैं, तो जो प्ल्यूमूल है वो प्ल्यूमूल पार्ट क्या करेगा आपका, आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, सूट का निर्माण करेगा। जब प्लांट में आगे बढ़ेंगे तो ये सूट का निर्माण करेगा, अर्थात ये सूट सिस्टम को बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो रेडिकल है वो किसका निर्माण करेगा आपका, रूट सिस्टम का निर्माण करेगा, ठीक है, रूट सिस्टम का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यदि अपन बात कर लेते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर आप देखोगे तो इस तरह से आपका मोनोकोट एम्ब्रियो होगा, ठीक है, और इसमें एक बड़ा सीड कोटिलेडन पाया जाएगा, एकमात्र एक बड़ा सीड कोटिलेडन पाया जाएगा, इसी कारण अपन इसको मोनोकोट पढ़ते हैं, एक सीड कोट में 20-32 में मिलता है। और सीड कोट के लेटरल साइड में कोलियोपोटाइल, ये समझना क्या कहलाती है आपका, कोलियो सॉरी कोलियो
पटाइल कहलाती है, और इस पोलियो पटाइल के अंदर ढकी हुई संरचना क्या मिलती है आपकी, ल्यूमिल मिलती है, ठीक है, ल्यूमूल मिलती है। नीचे इसमें रेडिकल मौजूद होता है, ठीक है, रेडिकल होता है, ठीक है। दोनों जो इसकी जो प्लीम्यूल और रेडिकल, सॉरी जो रेडिकल, इनको मिलाने वाली जो एक्सिस होती है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे सीधी नहीं होती, जिस तरह से इसके अंदर अपन डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर देखते हैं। लेकिन यहाँ का जो प्लीम्यूल है वो प्लीम्यूल क्या बनाएगा, वही रूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल भी यहाँ क्या बनाएगा आपका, रूट सिस्टम बनाएगा। तो ये आगे चलकर यही संरचना आपकी क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन बेसिक बॉडी प्लान कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें बनती हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि प्लीम्यूल से क्या बनेगा आपका, सूट सिस्टम बनेगा। प्लीम्यूल से क्या बनेगा, सूट सिस्टम बनेगा। सूट सिस्टम में आपके दो स्ट्रक्चर आती हैं, एक आ गई लीव्स और दूसरा आ गया स्टिंग, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जो रूट सिस्टम निकल के आ रहा है, रूट सिस्टम में भी आपकी क्या बनेगी आगे चलकर, वैसे तो तीन तरह की मान सकते हैं लेकिन जनरली दो ही प्रकार के अपन रूट मानते हैं। एक हो गई आपकी इसमें टेप रूट, ठीक है, टेप रूट सिस्टम बन गया आपका। दूसरा आपका बन जाएगा फाइब्रस रूट सिस्टम, और अदर देन एक और कर लेते हैं अपन एडवेंटिटीज, जिसमें कई बार ये भी शामिल करते हैं एडवेंटिटीज रूट्स का अपन के अंदर मान लेते हैं। अब क्या होता है कि हमने कहा कि रेडिकल जो होता है वो क्या बनाएगा आपका, रूट बनाएगा। रेडिकल से जो रूट बनती है, रेडिकल से जो रूट बनती है उस रूट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। यदि यह प्राइमरी रूट प्लांट के थ्रू आउट लाइफ में मौजूद रहे, और इसी प्राइमरी रूट पे आगे चल के आप देखते हो कि सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, अदर देन जो डिवीजन रूट्स में होते हैं वो सारी रूट्स इसके अंदर मौजूद होती है, ऐसे रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट, मूसला मूल रूट कहते हैं। और ये जनरली आपको किस में मिलती है, डाइकोट के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये डाइकोट में मिलती है। कई बार क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट बनती रेडिकल से, वो बनते ही शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, ठीक है, और नष्ट होने के बाद में प्लांट का जो हिस्सा नीचे मौजूद होता है उस नीचे वाले हिस्से से एक साथ कई सारी जड़ें निकलती हैं और वो रेसे के समान नजर आती हैं। ऐसे जड़ को हम क्या बोलते हैं, फाइबर रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और अदर देन, यानी इस फाइबर रूट जहां से निकल रही है, जिस तरह से रेडिकल के द्वारा जो रूट बनी थी उसको अदर देन छोड़कर, अदर किसी भी प्लांट के किसी भी भाग से, प्लांट के अन्य भागों से यदि रूट डेवलप हो रही है तो उन सब रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। ये अपन तीन तरह की इसमें रूट के बारे में, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हम देखते हैं कि इस तरह से एक बेसिक बॉडी प्लान है, ठीक है, बेसिक बॉडी प्लान है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन में देखो कि आपकी रूट, ठीक है, टेप रूट इसके अंदर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, यहाँ ये टेप रूट आ रही है, ठीक है। देखो टेप रूट में ये आपकी मेन इम्पोर्टेंट वो रूट है जो रेडिकल से बनी थी और फर्दर ये चलती जा रही है। नीचे आप देखोगे तो ये इस तरह से वृद्धि करते ही जाएगी नीचे तक, इससे आगे ये सेकेंडरी रूट्स निकल रही है, सेकेंडरी रूट से फिर आगे टर्सरी, क्वार्टरनरी, इस तरह से रूट निकली जाएंगी, ठीक है। तो एक डाइकोट प्लांट है। और ऊपर देखो आप, सूट यदि अपन इसमें जाते हैं तो ये आपका इसमें एक स्टेम हो गया, और इस स्टेम के ऊपर आप देख रहे हो लीव्स निकली हुई है, तो आपका ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर एक पार्ट अपन छोड़ रहे हैं लीव्स, सॉरी फ्लावर, फ्लावर भी क्या होता है आपका स्टेम, सॉरी लीव्स का ही एक तरह से अपन क्या मानते हैं, मॉडिफिकेशन मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लावर पार्ट इसमें, इसलिए मैंने आपका इसमें लिखा नहीं, ठीक है। देन अब बात करते हैं इस वाले, ये एक मोनोकोट प्लांट है। मोनोकोट प्लांट में आप देख रहे हो ये जो जड़ें निकल रही हैं, ये जड़ें क्या है, रेसे के रूप में एक साथ देखो इस भाग से जड़ें निकलती नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी फाइबर रूट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये लीफ मौजूद है, यहाँ पर ये लीफ, और इसके बाद में ये आपका स्टेम मौजूद है, ठीक है, स्टेम मौजूद है, ऊपर आपका ये फ्लावर। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है उनका, बेसिक बेडी प्लान आपका क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। वी कैन सी, कह सकते हैं कि आपका डाइकोट हो या मोनोकोट हो, इनकी जो बेसिक बॉडी प्लान है उसमें ये चीजें हैं। अपन इसमें बेसिक बॉडी प्लान में आगे बढ़ते हैं, उसमें हम अपन बात करेंगे इनकी एनाटॉमी की स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो एक जनरल सी स्ट्रक्चर अपन की बात करी। थैंक यू सो मच।